पर आम आदमी पार्टी को यहां बड़ा झटका लगा है, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका किस तरह लगा वो आपको बताते हैं। पार्टी के 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीजेपी की सदस्यता इन्हें दिलाई। 10 वरिष्ठ पदाधिकारी आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आपके 5 जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह का झटका आम आदमी पार्टी के लिए काफी तगड़ा झटका साबित हो सकता है। भोपाल से ये तस्वीर सामने आई, देखिए प्रहलाद सिंह पटेल तस्वीर में नजर आ रहे हैं, और इन 10 पदाधिकारियों में 5 जिले के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही वीडी शर्मा भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जिन्होंने 10 बड़े पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, सदस्यता दिलाई, और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले। और राजनीतिक जगत में लगातार उठापटक चल ही रही है, और वासु चौरे के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, अभी की जो परिस्थितियां हैं, आम आदमी पार्टी अभी जमीन तलाश ही रही है, और 10 बड़े पदाधिकारियों का जाना उस जमीन को हिला देने जैसा ही है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक हैं। बीजेपी कांग्रेस तो अपना पूरा दमखम लगाई रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी यह दावा किया कि हम मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तैनात कर दिया गया है, और जमीन मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। और अब तक का जो दल बदर का जो दौर देखने को मिल रहा था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा था, लेकिन ये तस्वीर भी अब सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहा है। जबकि अगर प्रदेश में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, और बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है, और बीजेपी की जो नीतियां रही हैं सरकार की उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और आम आदमी पार्टी का के कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का बीजेपी का दामन थाम लेना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर साबित हो जाता है, और वो भी ऐसे समय पर जब आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही हो। ठीक कहा आपने, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से जारी है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली और पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी सफलता को दोहराया जाए, लेकिन वो कैसे संभव हो सकेगा ये फिलहाल जरूर देखने वाली बात होगी। जी स्वाभाविक है वासु, और चूंकि इस वक्त की जो स्थिति है आम आदमी पार्टी की, उसके लिए ऐसे पदाधिकारियों का जाना एक बड़ा झटका है। बहुत शुक्रिया वासु आपका, नजर बनाया।